दोस्तों IPL साल 2022 का सीजन देखते ही देखते अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप ये बात सभी जानते हो कि यहाँ दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है। बट एक ही चिंता का विषय जो आपको और सभी फैंस को और हमें भी लग रहा है, 10 टीमों के साथ क्या उतना मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा या नहीं। खैर दोस्तों, सारी अपडेट्स टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब जगह आपको मिलेगी, लिंक नीचे है, सर्च कर लेना ना चले लिंक। बात करेंगे KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। टीम KKR की काफ़ी सारी अपडेट्स दिन भर में बाहर निकल कर आई है और काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल था कि वो KKR और CSK का मैच कैसे यहाँ पर टिकट बुक करके देख सकते हैं, वो प्रोसेस भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आंद्रे रसल की तरफ से एक हेटर्स को जवाब है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गए थे गंदे ट्वीट से, तो सब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, स्किप नहीं करना, वीडियो को देखना है आपको बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का जो कैंपेन है वो 26 मार्च से स्टार्ट होने वाला है CSK के अगेंस्ट। हम तो काफ़ी एक्साइटेड है, आप कितना एक्साइटेड हो? खैर आगे जाने से पहले नीचे कमेंट करके जरूर बता देना आपके अकॉर्डिंग टीम KKR सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट पहले मैच में कौन लेगा। टॉप अपडेट्स की अगर बात करें तो पहली अपडेट आ रही है ऑनलाइन टिकट्स को लेकर। तो ये दोस्तों एक ऑफिशियल अपडेट के साथ साथ थोड़ी बहुत नॉलेज भी हम आपको देना चाहेंगे। काफ़ी सारे फैंस का ये सवाल था कि वो यहाँ ऑनलाइन नहीं बिल्कुल लाइव देखना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने, तो वो कैसे देख सकते हैं मैच। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जाना है IPL T20 की साइट पर यानी www.IPLT20.com पर। वहाँ आपको एक अलग से सेक्शन मिलेगा टिकट्स का, उसके अंदर आपको बाय टिकट्स पर जाना है, अपना स्लॉट पिक करना है। स्लॉट्स के अंदर आपको देखना है कि आप किस बजट के जो टिकट ले सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा GST भी लगेगा। तो दोस्तों वो फाइनल प्राइस नहीं होगी, आगे GST भी लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट भी देना होगा वैक्सीनेशन का। साथ ही साथ दोस्तों जब आप ये सब कर लोगे तब भी आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत जल्दी वो स्लॉट भर जाता है। साथ ही साथ दोस्तों स्लॉट आप थोड़ा महंगा ही पिक करना। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर ये सब करने के बाद जब आप पेमेंट वगैरह सब कंप्लीट कर दो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसको प्रिंट करा लेना, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको वो जो पेमेंट स्लिप होगी, वो जो टिकट होगी, वो आपको वहाँ पर ग्राउंड पर दिखानी पड़ेगी। अगली अपडेट आ रही है सुरेश अय्यर को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों एक बड़ी हिंट हम आप सभी फैंस के लिए लेकर आए हैं और दोस्तों 25 मार्च को यानी मैच से एक दिन पहले सुरेश अय्यर और ब्रैंडन मैकुलम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। टाइमिंग हमें नहीं पता है, मुद्दे हमें नहीं पता है, बट दोस्तों ये हिंट हम आप सभी के लिए खास तौर पर लेकर आए हैं। अंदर सोर्सेस से हमें पता चला कि KKR मैनेजमेंट के और दोस्तों 4 से 5 बड़े बड़े यहाँ पर दोस्तों अनाउंसमेंट होने की यहाँ पर दोस्तों पूरी पूरी संभावना है। तो क्या अनाउंसमेंट हो सकती है, हम तो कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपको ज़रूर पता लगा कर बता पाएं। पर जब तक आप कमेंट करके ज़रूर बताओ आपके अकॉर्डिंग सुरेश अय्यर इस बार कैसे कैप्टन बनने वाले हैं KKR के लिए। लास्ट अपडेट आ रही है आंद्रे रसल को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों कुछ साल ऐसे चल रहे थे आंद्रे रसल के जब वो इंजर्ड हो जाते थे, इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आती थी। कुछ मैच ऐसे ज़रूर थे, आपने भी नोटिस किया होगा, बट दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने उनको ट्रॉल्स किए, उनको यहाँ पर मैसेजेस लिखे हैं, DMs किए हैं, ट्वीट्स किए हैं कि आंद्रे रसल में अब वो बात नहीं है, इनको रिटायर हो जाना चाहिए, या फिर ये ऐसे खेलते हैं सिर्फ पैसों के भूखे हैं, आधे आधे सीज़न बाहर चले जाते हैं, इंजरी का बहाना कर लेते हैं। तो इसके ऊपर आंद्रे रसल ने इसके ऊपर जो दोस्तों ये जो पोस्ट है इनकी एक पोस्ट डाली थी इन सब की और उस पर रिप्लाई दिया था कि मैं इनको कुछ भी जवाब नहीं दूंगा, इस साल में अपनी परफॉर्मेंस दूंगा और इन सबका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना क्या रसल द मसल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी साल 2022 के सीजन में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।